हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार, मेरा नाम दुर्गा देव, मैं हूं। आप देख रहे हैं जी हम ऑथेंटिक रिएक्शन YouTube चैनल, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहे। परेशान सर की वीडियो देखते हैं, इसका टाइटल है इंडिया विल स्पेंड 75,000 करोड़ ऑन ग्रेट नेक्स्ट। देखते हैं अभी वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो। भारत एक सिंगल टापू पर 75,000 करोड़ रुपीस खर्च देगा डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे आपने रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे कि प्रोजेक्ट्स वर्थ 75,000 करोड़ रुपीस ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड शोन ग्रीन फ्लैग, हरी झंडी इन प्रोजेक्ट्स को मिल चुकी है। इस पर बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है रिसेंटली कि फाइनली सरकार ने अप्रूव कर दिया है ये प्रोजेक्ट। और आपको पता होना चाहिए अंडमान और निकोबार आइलैंड्स ये एक यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पर आप कह लीजिए मेन जो कंट्रोल है ये सेंटर का ही होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत के लिए ग्रेट निकोबार आइलैंड इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पर हम इतना सारा पैसा क्यों खर्च रहे हैं, क्या ग्रैंड प्लान्स हैं इंडिया के, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाल ही में ककाडू युद्ध अभ्यास बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इस पर भारतीय नौसेना ने भी ट्वीट करी थी, दुनिया भर की और जो कंट्रीज हैं वो भी ट्वीट कर रही है कि हम प्रिविलेज फील कर रहे हैं कि वी आर पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज ककाडू, ये जापान की ट्वीट है। तो आपको सिंपली यहाँ पर ये बताना है कि ककाडू 2022 कौन सा देश होस्ट कर रहा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया या फिर USA। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। नाउ ग्रेट निकोबार आइलैंड, यहाँ पे प्लान ये है कि 16,610 हेक्टेयर का एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट में कॉस्ट ये आएगी 75,000 करोड़ रुपीस की, और इसमें हम एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, एक ह्यूमंगस टाउनशिप और बहुत सारे पावर प्लांट्स बनाएंगे। बेसिकली ग्रेट निकोबार आइलैंड की शक्ल ही कम्प्लीटली बदल जाएगी आने वाले कुछ सालों में। ना फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि ग्रेट निकोबार आइलैंड है कहाँ पर और इसकी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है ये आप लोग समझें। ना ये आपके सामने इंडिया का एक प्रॉपर मैप है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स चेन। अब अंडमान और निकोबार में आपको बताऊंगा डिफरेंस है, नॉर्थ में आपको मिलेंगे अंडमान आइलैंड्स, साउथ में आपको मिलेंगे निकोबार आइलैंड्स, और दोनों के बीच में कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल आपको मिलेगा। ये काफी बार एग्जाम में पूछते हैं। अब आप निकोबार टापुओं को देखोगे ना तो उसमें से सबसे बड़ा टापू है ग्रेट निकोबार आइलैंड, और ये टापू एक्चुअली इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट टापू है। एक बार एक बड़े मैप में आपको दिखाता हूं, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट। और यहां पर आप लोग देख पाओगे ये है हमारा प्यारा भारत, और इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट ये आपको मिलेगा ग्रेट निकोबार टापू में, इंदिरा पॉइंट इसको हम कहते हैं। एक बहुत ही बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है वो टापू। आप अगर एक सैटेलाइट व्यू लीजिए तो आप देख सकते हैं कुछ ज्यादा अर्बनाइजेशन यहाँ पर हुई नहीं है। आपको पता है इस पूरे टापू की आबादी 8,000-8,500 के आसपास है। जी हाँ, पूरे आइलैंड में सिर्फ 8,500 के आसपास लोग रहते हैं, ज़रातार लोग ट्राइबल पॉपुलेशन के हैं, उसके अलावा एयरफोर्स नेवी के लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे बिल्कुल सदर्न पॉइंट में। ये इलाका इंडियन मिलिट्री के पास है, INS बास, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेवल एयर स्टेशन इंडिया का यहाँ पे आपको मिलेगा। और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करके देखूँ तो काफ़ी बार इसको कहा जाता है न्यू दिल्ली बुलवर्क। बुलवर्क का मतलब होता है एक डिफेंसिव वॉल, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एक ढाल। इवन शिप में भी आप अगर देखो तो बुलवर्क आप कह लीजिए एक फ्रंट डिफेंस होता है एक शिप का। तो बुलवर्क हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि चाइना के अगेंस्ट ये एक बहुत ही अच्छा डिफेंस है। चाइना के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के करीब इंडिया का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड है जिसको इंडिया मिलिटरीली भी अब धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, मगर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत स्लोली हुई है। अगर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टापू को प्रॉपरली यूज करना है तो यहाँ पर इंडस्ट्री, आबादी ये सब हमको बढ़ानी होगी। वी नीड टू मेक श्योर के ग्रेट निकोबार आइलैंड भारत की इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाए, और इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि ऐसे आर्टिकल्स के नीचे ये भी लिखते हैं कि इंडिया इज इन्वेस्टिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन डेवलपिंग द स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड आइलैंड चेन, क्योंकि US अपनी कई रिपोर्ट्स में बार बार कह चुका है कि इंडिया के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस टापू को जल्दी से ये लोग डेवलप करें रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। मगर आप कह लीजिए इंडिया
सुस्त कंट्री है कंपेयर टू चाइना, कंपेयर टू यूएसए। मैं एक बार नोटिस कर रहा था, यूएसए का जो इंडो पैसिफिक कमांड है, ये लोग लगातार अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं। तो आज से कुछ साल पहले यूएस इंडो पैसिफिक कमांड ने ऑफिशियली एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी। वहां पर टाइटल देख के आई लिटरली स्माइल्ड। टाइटल इसका ये था, द ग्रेट वॉल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यूएस मानता है कि जिस तरीके से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक टाइम पे बनी थी ना मंगोलों के खिलाफ, तो जो ये अंडमान और निकोबार आइलैंड चेन है, इसको अगर इंडिया प्रॉपरली बना दे तो यही आइलैंड चेन चाइना की नेवी को कभी प्रॉपरली इंडियन ओशन में डोमिनेंट रोल प्ले नहीं करने देगी। नाउ अब आप पूछोगे, अच्छा तो ये 75,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इससे आबादी इस टापू की कितनी बढ़ेगी? बेसिकली हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि टर्मिनल बनाएंगे बड़ा, एक एयरपोर्ट बनाएंगे, पावर प्लांट वगैरह, इससे पॉपुलेशन में अंतर क्या आएगा? देखो, नीति आयोग के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखा है कि इनका अनुमान है कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ सालों में, एक बार इस टापू की डेवलपमेंट हो गई तो अभी जो इस टापू की आबादी है 8,000-8,500 के आसपास, ये बढ़ के 6,50,000 हो जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर आप देख पाओगे, ये नीति आयोग की रिपोर्ट का एक पार्ट है। यहाँ पे लिखा है, प्रोजेक्शन ऑफ टोटल पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन होगी 2,60,000 और डिपेंडेंट पॉपुलेशन होगी यहाँ पर 3,90,000। और डिपेंडेंट पॉपुलेशन में ज्यादातर ये मान के चलते हैं वो लोग जिनकी एज या तो 0 से 14 है या फिर 65 से ऊपर की हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख पाओगे, ये PDF है नीति आयोग की उस रिपोर्ट की, जहाँ पर बताया गया है कि नीति आयोग के हिसाब से किस तरीके से ग्रेट निकोबार आइलैंड की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकती है। नीति आयोग इस रिपोर्ट में ये कहता है कि पहली बात तो ग्रेट निकोबार आइलैंड इज ए ज्यूल ऑफ एन आइलैंड। इसकी आप लोकेशन देखिए, आप देखोगे मलक्का स्ट्रेट से कितना करीब है, उसके अलावा जो स्वेज कैनाल से ट्रेड जाता है उसके ये कितना करीब है। नीति आयोग ने लिटरली एक मैप से यहाँ पर समझाया है। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये जो यहाँ पर लाइन है ना, ये इसको हम कह सकते हैं इंटरनेशनल स्वेज फार ईस्ट ट्रेड रूट, क्योंकि आपको पता होगा ये यहाँ पे है स्वेज कैनाल, ठीक है, इजिप्ट में यहाँ पे स्वेज कैनाल हो गया। तो मेडिटेरेनियन से होकर जो भी शिपमेंट यहाँ से गुजर कर आगे उनको पहुँचना होता है ईस्ट एशिया में, यहाँ पर तो उनको ये जो ट्रेड रूट है ना, इससे गुजरना होगा। और यहाँ पे आप देखो कितनी ज़्यादा एक प्राइम लोकेशन है ग्रेट निकोबार आइलैंड की। और नीति आयोग ने ये कहा है कि कंपेयर टू कोलंबो पोर्ट, सिंगापुर पोर्ट, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है ये बहुत ज़्यादा क्लोजली प्लेस्ड है ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल शिपिंग कॉरिडोर के। अगर हम यहाँ पे एक बड़ा कंटेनर टर्मिनल बना देते हैं तो इससे पहली बात तो हम ट्रेड भी यहाँ पर कर पाएंगे, जो बाकी इंटरनेशनल शिप्स है ये यहाँ पर डॉक भी करेगी, रेवेन्यू भी जनरेट होगा। और भारत के जो बाकी बहुत सारे पोर्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे, ये चेन्नई का पोर्ट है, यहाँ पे है भुवनेश्वर का, कोलकाता का पोर्ट है, यहाँ पर वेरियस और जो पोर्ट्स है उनसे भी जो प्रॉक्सिमिटी है इस आइलैंड की ये काफी करीब है। इन पोर्ट से भी जो शिप है ये भी काफी बार इस टर्मिनल में कर सकती है डॉक। और यहाँ पर आप देख पाओगे भविष्य में आपको ये टापू कुछ ऐसा दिखेगा। ये यहाँ पे आप देखो, ये नीचे का पार्ट, यहाँ पर बनेगा इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल, मतलब के जो बंदरगाह बनेगा मेन, वो नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा। उसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा यहाँ पर इस इलाके में, फिर पावर प्लांट जो है ये यहाँ पर बनेगा, फिर उसके अलावा एक मेगा टाउनशिप बनाई जाएगी, क्योंकि जब 6.5 लाख लोग आएंगे तो ऑब्वियसली उनके लिए जगह भी चाहिए होगी, तो वो लोग इस इलाके में रहेंगे। बाकी जो ऊपर का इलाका है वहां पर पेड़ बने रहेंगे, ऐसा नहीं है कि दूर से आप देखोगे अचानक से सब पेड़ गायब हो जाएंगे, एवरीथिंग विल चेंज। मगर डेफिनेटली इन द फ्यूचर ये टापू आपको बहुत ही डिफरेंट नजर आएगा। मगर कई एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो इस पूरे प्रोजेक्ट में ना, कई रिपोर्ट्स ने ये कहा है कि टोटल 8 लाख से भी ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे। अगेन ये एस्टिमेट है कई एक्सपर्ट्स का, वो लोग कह रहे हैं कि इतने पेड़ काटने पड़ेंगे तभी जाकर ये जो सारी टाउनशिप है, जो यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट वगैरह है, ये सब बन पाएगा। अब कई एक्सपर्ट्स यहाँ पर कह रहे हैं कि इतनी तरक्की इतनी जल्दी करना इस टापू पे ये ठीक नहीं है, इससे एनवायरमेंटल डैमेज होगा, जो कोरल रीफ है आसपास के उनको डैमेज होगा, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है इतने सारे चेंजेस ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट बन चुका है। एक तरफ सरकार कह रही है कि ये प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार को इंडिया का एक बहुत ही बड़ा एसेट बना देगा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरी तरफ एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि इससे इस टापू को
इररिपेरेबल डैमेज होगा, ऐसा डैमेज होगा जिसको वापस हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ही ये सब कंसर्न जता रहे हैं। इवन यूएन बॉडी ने रिसेंटली भारत को पूछा था कि जो प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पर बनाओगे, क्या वहाँ पे इंश्योर करोगे कि ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रॉपर स्पेस दिया जाए, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, जो एनवायरमेंटल गाइडलाइंस हैं ये आप फॉलो करोगे। तो देखिए, भारत सरकार के सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज रहने वाला है कि इस टापू को हम कैसे डेवलप करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट की काफी आलोचना भी होगी। बट फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं तो ये प्रोजेक्ट भारत की तरक्की के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। नाउ वापस आते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली किस कंट्री ने होस्ट किया है मेगा नेवल एक्सरसाइज ककाडू 2022 को। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियन नेवी का यहाँ पर होम पेज लिखा है कि इंडियन नेवी का जो P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट है, उसके अलावा INS सतपुरा, ये दोनों गए हैं ऑस्ट्रेलिया में टू पार्टिसिपेट इन मल्टीनेशनल लेवल एक्सरसाइज ककाडू। यहाँ पर बहुत से कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, इंक्लूडिंग US, जापान एंड वेरियस अदर यूरोपियन कंट्रीज। तो न्यूज में है ये, याद रखिएगा, नेवल एक्सरसाइज ककाडू होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया। फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि 16 सितंबर को अनअकैडमी की 20% सेल खत्म हो जाएगी। ये सेल अभी के लिए अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पे है, बैंक, SSC, UPSC, नीट, IIT, JEE। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे सारे लिंक। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे UPSC के कोर्सेज। और जो यहाँ पे आपको डिस्काउंट दिख रहा है ना, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है 20% डिस्काउंट, ये 16 सितंबर को खत्म होने वाला है। तो यूज करिए कोड PD10 और सीधा 20% यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट 16 सितंबर के बाद खत्म हो जाएगा। सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ द डिस्काउंट व्हाइल इट लास्ट। जी, वीडियो हो गई खत्म। भाई ये इंडिया के लिए भी एक फ्रॉड की बात है कि एक वो अपने मुल्क से दूर 520 किलोमीटर दूर एक बंदरगाह या कोई जजीरा है, उस पर अपना पहले भी आबादी है, उधर पहले भी आबादी है 8,000 के करीब है, जो डिफेंस सिस्टम के एयरफोर्स के या कोई फौजी या नुमाइंदे इतनी बड़ी तादाद में नहीं है। और जो इंडिया लगी हुई है वो इंडिया के अंदर ही है, और इसका बहुत रोल है शिपिंग सिस्टम के दरमियान। जो स्विट्जरलैंड है ना, वो उधर होकर जाती है इधर बंदर एशिया की तरफ, और ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक ही है ये, मैं कहता हूँ। तो इंडिया के लिए ये प्राउड की बात है कि उधर वो इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 75,000 करोड़ से भी ऊपर कर रहे हैं। इतना तो बताया जा रहा है ना, जो लगाया जा रहा है वो इतना एक अमाउंट है। इतना जल्दी जो उधर वो दरख्त काटे जाएंगे ना, उससे 8,00,000 के ऊपर दरख्त तकरीबन, उससे बहुत नुकसान भी हो सकता है। उसके अंदर ये भी है, जो इतना ज्यादा वो जंगल को कटाई करेंगे, उसके अंदर कितने जानवर भी रहते हैं, यही उनको भी नुकसान होगा, वो समंदर में तो नहीं जाके मर जाएंगे। मौसम चेंज एक तरफ से होगा तो वो क्लाउड का भी बहुत बेशक उधर वो आइलैंड पे डेवलपमेंट करें, पर वो इसका भी ख्याल करके ही करेंगे। इतने जानवर, इतने परिंदे, जानवर, वो किधर जाएंगे, उनका काम रहन सहन होगा, फिर वो जगह चीज। मैं तो कहता हूँ ये सारा जंगल ही है, एक जंगल ही है आइलैंड जो है ना, ये एक जंगल ही है। तो दरख्त देख ले, 8,00,000 तो वो काटना चाहते हैं। वो आस्ता आस्ता, मैं तो कहता हूँ इसको जब भी आस्ता आस्ता इसको डेवलपमेंट करना चाहिए, ऐसी इसी तरह इकट्ठा नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल एक तरफ वो जो परिंदे वगैरह तो उड़ जाएंगे, जो जानवर वगैरह है उनको निकालना पड़ेगा, कहीं और जगह पे छोड़ना पड़ेगा उनको पकड़ के, तब जाकर ये नहीं, इतना भी नहीं, वो बहुत बड़ा आइलैंड है, वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। जो आइलैंड है ना, उसका 30% या 20% ऐसा भी तो एक तरफ से वो डेवलपमेंट कर, ऐसा भी तो हो सकता है कि इंडिया के बहुत बड़े जंगलात हैं, ये इधर से पकड़ के उन जानवरों को उधर जाके छोड़ दी। वो भाई वो 20-30% जो है ना, उधर को डेवलपमेंट करेंगे, दूसरा सारा वो रहेगा। टूरिस्ट के लिए भी एक बहुत प्लेस बने, इंडिया की बड़ा इंडिया में, इंडिया की सोच है ना वो अपने आने वाले वक्त में आने वाले नस्लों के लिए बहुत अच्छी सोच है भाई। जो साथ उसको टापू लगते हैं या बंदरगाह लगती है, उसको वो बना रहे हैं उधर सिक्योरिटी, कहते हैं वो इधर स्विट्जरलैंड के करीब एक हमने वीडियो पर रिएक्शन दिया था, उस पर भी वो कह रहे हैं कि हम उधर भी जाएंगे, उधर भी अपने अड्डे बनाएंगे,
उधर से भी अपनी जो भाई सारी बात होती बुल्गार पैसे की, आपके भारत की इकोनॉमी अच्छी है, पैसा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं अगर कोई अच्छा लीडर हो तो। उनके पास इकोनॉमी भी अच्छी है, उनका लीडर भी अच्छा है, उनके बिजनेसमैन अच्छे हैं जो अपने मुल्क की खातिर अपने सियासतदानों के साथ मिल जाते हैं हर मुश्किल घड़ी में, उनकी मदद करते हैं। ऐसे टापू को भाई टूरिस्ट बहुत देखने आते हैं। हम इधर बैठ के इसके बारे में सोच रहे हैं कितना खूबसूरत हो रहा है, ये कितना अच्छा माहौल उधर होगा। समंदर के बीच में एक टापू होगा, सारा जंगल होगा, उधर वो डेवलपमेंट करेंगे तो देखने की काबिल होगा। दुनिया से आवाम आएगी, जो टूरिस्ट से पैसा इन्वेस्ट होता है ना बहुत ज्यादा होता है, होता है। बिल्कुल, ये इंडिया का अच्छा कदम है, बहुत अच्छा कदम। और बहुत एक ना अच्छी वीडियो थी प्रशांत सर की, ये वही इन्फाइटिंग वीडियो देते हैं बहुत प्रशांत सर की वीडियो होती है वीडियो। तो ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।